अस्सलाम वालेकुम, रफीक के जायके में आप सभी को खुशामदीद। तो दोस्तों, आज बनाएंगे हम फिश स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी फिश कैसे बनाते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा हमारा फिश, तलाफी फिश है हमारा, बोनलेस में, ठीक है, और तंदूर में बनाएंगे, ना कि हम चाइनीज या कुंटी में बनाएंगे। और ये स्ट्रॉबेरी ले लिया है हमने, तो स्ट्रॉबेरी को पहले हम क्रश कर लेते हैं, तब आपको दिखाते हैं। तो फिश को तो हमने कटिंग कर लिया है, वो आपको नहीं दिखाएंगे। फिश तो आप नॉर्मली जिस तरह आपको जितना छोटा बड़ा करना है वो हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन वेरी पीस लेते हैं तब आपको दिखाते हैं। बिना पानी का हमने पीसा, पानी वाली बिल्कुल भी नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना है। और ये रहा हमारा फिश, तो इसको थोड़ा हम मैरिनेशन कर लेते हैं। सॉल्ट आ गया, 3 पीस लेमन जूस, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब मैरिनेशन किया है जो, वो स्ट्रॉबेरी में डाल देते हैं। अब इसको मिक्स करने के बाद में आपको बस रख देना है 20 मिनट, 15-20 मिनट रख दो, थोड़ा सा मसाला खींच ले, उसके बाद में हम इसको स्क्यूरिंग करते हैं। तो गाइस, अब हम लगा देते हैं सलिए में, और ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेगा, इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। तो मसाला अच्छी तरह से लगा देना है, तो बस इसे 5 मिनट लगेगा और इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। तो गाइस, रेडी हो गया है फिश। बहुत सॉफ्ट होता है, थोड़ा थोड़ा निकाले वरना पता चला कि खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है, चिकन समझ के कभी ना निकाले। थोड़ा सा बटर मार देंगे, मास्टर सॉस रख दिया है और सलाद रख दिया है। तो दोस्तों, ट्राई जरूर करिए एक बार, एकदम सिंपल फिश है, कोई मसाले ज्यादा नहीं, खाली हमने खाली आपको क्या दिखाया, जीरा, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और लेमन, इतने से ही आपको बन जाएगा। बस स्ट्रॉबेरी को आप क्रश कर ले, पीस ले, और उसके बाद में फिश के अंदर मिला दें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।